बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल है। नीतीश कुमार रविवार को अपना इस्तीफा दे सकते हैं और एक नए सहयोगी दल के साथ नई सरकार बना सकते हैं। इसके साथ ही नीतीश कुमार नवी बार मुख्यमंत्री पद पर काबिज हो सकते हैं। इससे पहले वो 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। यहाँ आपको जानकारी के लिए बता दें कि जदयू विधानमंडल ने रविवार को बैठक बुलाई है, जिसमें आशंका जताई जा रही है कि महागठबंधन से अलग होने का निर्णय क्यों लिया जा रहा है, इस पर चर्चा हो सकती है। वहीं ये विधायक दल की बैठक रविवार सुबह करीब 10 बजे मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई गई है और ये आशंका जताई जा रही है कि करीब 11 बजे मुख्यमंत्री राजभवन जा सकते हैं और इसके बाद ही शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद हो सकते हैं। नीतीश के नेतृत्व में बनने वाली अगली सरकार में भाजपा की 78, हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के 4 और एक निर्दलीय यानी कि कुल 128 विधायकों का समर्थन होगा। बिहार विधानसभा में इस वक्त 243 सीट हैं, इसमें बहुमत का आंकड़ा 122 है। नीतीश कुमार की एनडीए और भाजपा से नजदीकियों का सीधा संकेत यही है कि विपक्ष के इंडिया गठबंधन को झटका लगने वाला है। लेकिन कांग्रेस के नेता अभी भी कयास लगाए बैठे हैं कि बिहार की राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी से सवाल किया गया कि क्या नीतीश के जाने से इंडिया गठबंधन को चोट लगेगी, क्या इंडिया गठबंधन रहेगा, तो उनका क्या कहना था, सुनिए। बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल है। और अभी आप बिहार को लेकर के ये खबर आप कहां से दे रहे हैं कि बिल्कुल सब कुछ कंफर्म हो चुका है? अभी कोई आधिकारिक बयान तो आया नहीं, तो जब तक आधिकारिक कोई बयान ना आ जाए तब तक बिहार की राजनीति में कब, क्या, कैसे, क्यों, कहां होगा, इस पर कोई कुछ नहीं कह सकता। बिहार बहुत अप्रत्याशित फैसले करता है। हो सकता है आपको अगले 2 दिन में कुछ और चौंकाने वाला देखने को मिले। बिहार से बीजेपी के नेता इस बात को तय मान चुके हैं कि खेला तो होगा। सुनिए हरी साहनी का क्या कहना है। खेला तो होगा, ये तो सब लोग, आप पूछने का ही विषय कहाँ है। खेल होगा इतना तो सभी लोग मानते हैं। मैं भी कहूँगा कि चूंकि परिस्थिति जो उत्पन्न हुई है, कुछ न कुछ तो विषय सामने आएगा। क्या होगा ये कहने में अभी सक्षम हम लोग नहीं है।